हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेस इंस्टीट्यूट। क्लास 11th की मैथमेटिक्स का सेट चैप्टर हम लोग कवर कर रहे थे, राइट। सेट चैप्टर की तीन वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड की जा चुकी है। दिस इज द फोर्थ लेक्चर। अगर एक पूरे किताब में चले तो तीन लेक्चर में हम लोगों ने देखा गया, सबसे पहले हम लोग सेट से इंट्रोड्यूस हुए थे कि सेट होता क्या। तो सेट वॉज वॉट? सेट वॉज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो अनऑर्डर्ड हो, जिसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, एनक्लोज विद इन कर्ली ब्रेसेस। वॉट आर वेरियस रिप्रेजेंटेशंस टू रिप्रेजेंट सेट, दो तरह के रिप्रेजेंटेशन देखे थे, टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट। उसके बाद हम लोगों ने पांच डिफरेंट टाइप के आई थिंक ऑपरेशन देखे थे, और उन ऑपरेशन में कुछ क्वेश्चन किए थे जहाँ पे हम लोग प्रूव ही कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जाम्पल्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है वो है प्रूविंग, जहाँ पे आप एग्जाम्पल्स की हेल्प नहीं ले सकते। तो जब हम एग्जाम्पल्स की हेल्प नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर्स की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं? ऑपरेटर्स की हेल्प या वेन डायग्राम की हेल्प। जैसे स्टार्ट करते हैं तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, देन वी हैव टू शो ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ओके, सबसे पहले अगर हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं तो देखिए कैसे ए है, ये बी है। अगर हम लोग बात करें कि ए यूनियन बी क्या है, मतलब कौन सा रीजन यहाँ पे ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करता है, तो ये चीजें अभी तक आपको क्लियर होगी कि ए यूनियन बी, ये पूरा शेडेड रीजन जो है वो ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करता है। तो क्या इस ए यूनियन बी का एक छोटा सा पार्ट ए है? तो जी हाँ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, जो एलिमेंट, इफ अ एलिमेंट इज बिलोंगिंग टू सेट ए यूनियन बी, देन इट ऑलवेज, इट विल ऑलवेज बिलोंग टू सेट ए। नहीं, इट विल ऑलवेज बिलोंग टू ईदर सेट ए और सेट बी। मतलब अगर हम लोग ये कह दें कि लेट फर्स्ट पार्ट, ठीक है, लेट देयर इज एन एलिमेंट एक्स दैट बिलोंग्स टू ए, ओके, तो इसका मतलब है कि अगर एक्स ए में है तो ए यूनियन बी में तो जरूर होगा, भले ही बी हमारा नल सेट है। डजंट मैटर कि बी हमारा कोई बहुत बड़ा सा सेट है कि एम्प्टी सेट है, लेकिन अगर एक्स एक एलिमेंट है जो ए में बिलोंग कर रहा है तो वो ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा, वेयर B can be any set, B can be any set, किसी भी set B के लिए एक X जो element A में belong करेगा वो A union B में belong करेगा। और यहाँ से ये clear होता है कि A जो है वो क्या होगा? A union B का subset होगा। अगर ये condition, ये जो पहले दो line में condition लिखी है, ये hold करती है, तो यहाँ से हम लोग ये conclude कर सकते हैं कि A is subset of A union B, because if element पोर्शन है हमारा,
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी, राइट। और ए यूनियन बी आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, ए यूनियन बी विल ऑलवेज बी द सुपरसेट। जब भी सुपरसेट और सबसेट की कंडीशन आती है तो आप याद कीजिए कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि अगर एक सेट दूसरे सेट का सुपरसेट है या सबसेट है तो दोनों का यूनियन विल बी द सुपरसेट एंड इंटरसेक्शन विल बी द सबसेट। सेम क्वेश्चन यहां पे है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट आई होप सो कि आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए, ए है बी है, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन एलिमेंट रीजन रिप्रेजेंट करेगा, ये रीजन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। हम लोग ले लेते हैं कि देयर इज एन एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां से हम ये कह सकते हैं एच बिलोंग्स टू ए एंड एच बिलोंग्स टू बी, राइट। अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो वो एलिमेंट ए में भी होगा, वही एलिमेंट हमारा बी में भी होगा। तो इफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी देन इट विल बिलोंग टू ए एज वेल एज बी। और यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सिंपल कि हां एक्स ए में बिलोंग करेगा, और यहां से हो गया कि जो ए इंटरसेक्शन बी है इट विल बी अ सबसेट ऑफ ए, खत्म। तो सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि सबसेट की कंडीशन क्या होती है एंड कहां पे लगना है इंटरसेक्शन और यूनियन पे क्या लगना है। और आगे बढ़ते हैं, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव फोर कोइंग सेज दिस टू डिफरेंट सेट शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। अब देखिए यहां करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यहां पे इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, ये कंडीशन दी होगी, ये शैनस्ट्रेंट है कि आपको ए इज अ सबसेट ऑफ बी ऐसी कंडीशन दिया है, और ए में से अगर हम बी को नहीं तो ये इक्विवेलेंट क्या, यहां पे कुछ मिसप्रिंट है। हम लोग सेकंड पार्ट से कंटिन्यू करते हैं कि ए माइनस बी इज इक्वल्स टू फाइव, ठीक है। कोई सेट है ये ए है ये बी है, ए माइनस बी का मतलब ए में से आप कॉमन एलिमेंट निकाल, ठीक है। एच बिलोंग्स टू कोई एलिमेंट लेते हैं, एच बिलोंग्स टू ए माइनस बी, ठीक है। इसका क्या नाम मुझे निकला, एच बिलोंग्स टू ए एंड x does not belong to b, यही कंक्लूजन निकला कि x a में बिलोंग करता है और x b में बिलोंग नहीं करेगा, राइट। लेकिन ये जो कंडीशन है इसको कंडीशन ही मानना पड़ेगा, बिकॉज यहां से हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते कि a is subset of b। अगर a हमारा b का सबसेट है, चलिए देखते हैं, होगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, a is subset of b, ठीक है। a is subset of b मतलब कि if a particular element will belong to set A, then it will also belong to set B, right? X A में belong कर रहा है, X B में belong नहीं कर रहा। तो अगर and और यहाँ पर हम साइड में लिखेंगे and if X belongs to A, the implies कि X will also belong to B। अब ये दोनों contradictory statement हो गए, है ना? पहले बोला condition में कि अगर X A में है, तो जाहिर सी बात है कि X B में भी होगा। लेकिन अगर x वही एलिमेंट एक पर्टिकुलर एलिमेंट a माइनस b में बिलोंग कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाएगा कि x a में तो है बट x b में नहीं है। तो यहां से अगर दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गए, तो वी कैन से ऐसे लिखा जा सकता है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर कॉन्ट्रडिक्टरी इंप्लाइज कि a माइनस b इज इक्वल टू 5, मतलब x जैसा कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, और अगर x जैसा कोई एलिमेंट नहीं होगा तो a माइनस b सेट कैसा होगा, नल सेट होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। ये क्वेश्चन बहुत वैसे आसान कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी अगर करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, हमने एक सेट लिया, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स इधर बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, इसी में भी होगा तो ए यूनियन बी में तो आना ही आना है, राइट। इसके बाद हमें पता है कि अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं देन x will also belong to b, कह सकते हैं कि अगर x a में है तो x b में जरूर होगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ओवरऑल जो x एलिमेंट है वो b ही सेट में होना चाहिए, अगर a में है तो या b में है दोनों से काम चलेगा। लेकिन सिंस वो सबसेट है तो इसका मतलब है कि उन दोनों सेट का जो यूनियन होगा इट विल बी द सुपरसेट। सिमिलरली फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है, अगर सबसेट वाली कंडीशन आती है तो दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है हमारा सबसेट, दोनों सेट का इंटरसेक्शन होता है हमारा सबसेट आंसर। अगर यूनियन रहता है तो सुपरसेट। तो ये क्वेश्चन आपने खुद से
से करिएगा। अभी हम लोगों ने प्रीवियसली भी किया, प्रीवियस वीडियो में भी ये क्वेश्चन एक बार कवर अप किया जा चुका है विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब तीन सेट की बारी है। फॉर थ्री सेट्स ए बी एंड सी शो दैट ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इंप्लाई कि बी इज इक्वल टू सी। ओके, ए बी और ये रहा हमारा सी। A यूनियन B, सॉरी A इंटरसेक्शन B, अगर हम लोग देखें तो A इंटरसेक्शन B में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, राइट। उसके बाद दूसरी चीज है A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C में हमारे ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ A इंटरसेक्शन B में आ रहे हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ A इंटरसेक्शन C में आ रहे हैं। तो इससे हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि A इंटरसेक्शन B विल ऑलवेज बी इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। अगर ऐसा होता है तो जरूरी नहीं है कि B हमारा C के इक्वल हो। जैसे कि अगर कोई एलिमेंट X है तो A इंटरसेक्शन B में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो X A में बिलोंग करेगा और X हमारा B में बिलोंग करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के बराबर है। तो अगर यही एलिमेंट X A इंटरसेक्शन C में बिलोंग कर रहा है, X हमारा A में बिलोंग करेगा और X हमारा C में भी बिलोंग करेगा। लेकिन क्या इन दोनों स्टेटमेंट्स हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि B is always equal to C? नहीं, हो सकता है कि B में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट बच जाए, यहाँ पे 7 बच जाए, लेकिन कॉमन ठीक है, इंटरसेक्शन सेम चीज आ रहा है। लेकिन हम यहाँ से ये कंक्लूड फ्रॉम दीज टू स्टेटमेंट वी कांट से वी कांट कंक्लूड कि B is always equal to C। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको ये दो स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद ये वेन डायग्राम बना के लिखना है कि फ्रॉम दिस वेन डायग्राम इट इज वेरी क्लियर दैट from these two statements we can't conclude that B will always be equal to C as B can contain some different elements from C which is not common with A। कुछ A के साथ common हटा दिया जाए तो कुछ extra elements भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। A is a subset of B implies C minus B is equal to C minus A। okay, A is a subset of B मतलब X belongs to A implies कि X B को भी belong करेगा। अब हम लोगों के पास आता है बात C माइनस B और C माइनस A। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा सा सेट लेंगे C जिस दोनों के साथ कॉमन को शेयर कर रहा है। तो अगर अगर हम लोग ये कहें कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है वो C माइनस B में बिलोंग कर रहा है, मतलब X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग टू B। अगर X अगर X B में ही नहीं है तो X A में भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि अगर X B में नहीं है तो X A में कैसे होगा, बिकॉज A इज द सबसेट ऑफ B। अगर A B का सबसेट है दैट मींस कि अगर कोई एलिमेंट A में है तो वो B में जरूर होगा होगा। अगर B में ही नहीं है भाई तो A में कहाँ से आएगा। तो अगर B में ही नहीं है तो तुम यहाँ से ये कह सकते हैं कि आप X बिलोंग टू C एंड X डज नॉट बिलोंग टू A सिंस A इज सबसेट ऑफ B। तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर X C में है और A में नहीं है दैट मींस X किस में बिलोंग करेगा, C माइनस A में है। दिस इज व्हाट वी रिक्वायर टू प्रूव कि C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। मतलब अगर कोई एलिमेंट C माइनस B में है तो ये X एलिमेंट C माइनस B में है तो फ्रॉम हियर वी कैन से कि X जो है वो C माइनस A में भी होगा, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया, एंड ऑपरेटर यूज किया और ये बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू क्लियर हो जाए। अगर सारे ऑपरेशन लगाने के बाद कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा इसमें नहीं करेगा तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आगे बढ़ते, फॉर एनी टू सेट्स वी नीड टू प्रूव, ये क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है चलिए देखते हैं। जो भी आसान क्वेश्चन लगा हम इसको वेन डायग्राम से करें या ऐसे, एक मैं करूंगी एक आपके लिए होमवर्क होगा। मैं ये फर्स्ट कर रही हूँ, सेकेंड में दो होमवर्क हो। A यूनियन A इंटरसेक्शन है, सबसे पहले अगर आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन A इंटरसेक्शन B लिया होगा, ठीक है, फिर पूरा का पूरा हम अगर A देखें A तो पूरा पूरा ये होगा। तो आप बताइए कि अगर हम लोग A जो रेड मार्क है और A इंटरसेक्शन B जो येलो मार्क है इन दोनों का यूनियन देखें तो वापस से क्या आंसर निकल के आएगा, A ही तो निकल के आएगा भाई, A ही तो निकल के आएगा। क्यों, इन सबका यूनियन मतलब कि पूरा ये सब कुछ मिला के अगर हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सेट बनाए तो वो तो एक ही निकल के आना है। अब अगर इसको हम ऐसे करें कि दैट देयर बी अ एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए यूनियन
ए इज द सेक्शन ऑफ टी तो नहीं बिलोंग करता है, तो इसका द एस बिलोंग टू ए या एस बिलोंग टू ए इन द सेक्शन बी, इन दोनों सेट में से, इन दोनों डिफरेंट सेट में से, ये बार का संबंध है, इन दोनों डिफरेंट सेट में से एलिमेंट किसी का भी बिलोंग करेगा तो वो ए यूनियन मतलब यूनियन ऑपरेटर पे आएगा। ठीक है, हम लोग ये लिख सकते हैं एस बिलोंग टू ए और यहाँ पे एस बिलोंग टू ए एंड एस बिलोंग टू बी कह सकते हैं। एस ए में होगा या तो और, एस ए में और बी दोनों में होगा, तो ओवरऑल यहां से क्या कंक्लूड किया जा सकता है, ओवरऑल की तरह से एस बिलोंग्स टू ए बात एस बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, हमारा ए के इक्वल है भैया, ए में तो होगा ही होगा मतलब और या इन दोनों कंडीशन में, तो इन दोनों कंडीशन और इसमें मतलब जो लेफ्ट और राइट और ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट में दो कंडीशन नहीं है उसमें से यही कंक्लूड किया जा सकता है ना, इन दोनों में कॉमन तो यही है कि एस बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली सेकेंड पार्ट आप जब करेंगे तो बस हमें लगता है डिफरेंस क्या आएगा, ऑपरेटर ए यूनियन तो चेंज होगा यहाँ पे आना चाहिए, दैट इज इट, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमें कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं, हम लोग आन ऑपरेटर लगाते हैं, तो सेकंड पार्ट आपको ट्राई कीजिएगा, जब आप वेन डायग्राम से देखिएगा तो खुद ही रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी वी हैव टू प्रूव कि ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मान लेते हैं कि एस बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट, यही होता है ना, मतलब अभी आप अगर कॉम्प्लीमेंट को बोल करके मान लीजिए दो सेट है डिफरेंट सेट्स हैं उनका नाम ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है, सेट का नाम ही यही है। ठीक है, तो पहले वाले में बिलोंग करता है डिफरेंस के केस में, दूसरे वाले में नहीं बिलोंग करता और आर ऑपरेटर अगर एक्स ए ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो मतलब है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में है मतलब ए में नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई सेट अपने खुद सेट है तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उस सेट के एलिमेंट्स को हम लोग यूनिवर्सल सेट में से हटा देते हैं, राइट, ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर अगर कोई एलिमेंट एक्स वो अपने कॉम्प्लीमेंट में नहीं है मतलब वो खुद ब खुद तो होगा ही भाई, एक्स बी में तो बिलोंग करेगा, अगर एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो वो बी में होगा। अब इसी चीज को अगर हम लोग उल्टा लेते हैं, एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू, तो वही है ना यार, उधर सब हो गया उधर, तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए, बी में है ए में नहीं है मतलब कि बी माइनस ए में, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से ये देखिए प्रूफ हो गया आपका कि अगर कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करता है दैट मीन्स कि वो बी माइनस ए में बिलोंग करेगा, सिंपल क्या होगा उल्टा हो गया, कॉम्प्लीमेंट हटा और हम लोग जो डिफरेंस रहता है सेट का वो पलट गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, सबसे पहले सिंपल चीज लेफ्ट साइड में जो भी दिया है हम लोग मानेंगे एक एलिमेंट है जो कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी में बिलोंग करेगा। ओके, मतलब एक्स ए में बिलोंग करेगा एंड इंटरसेक्शन की वजह से एक्स ए बार यूनियन बी में बिलोंग करेगा। ओके, एक्स ए सेट में बिलोंग करेगा एंड यहाँ पे यूनियन है तो हम लोग कहेंगे कि एक्स ए डैश में बिलोंग कर रहा है और एक्स जो है आपका वो बी में बिलोंग कर रहा है, कह सकते हैं। ठीक है, एक्स बिलोंग टू ए एंड यहाँ से ये कह सकते हैं कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए क्योंकि वो ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है और एक्स बिलोंग टू बी कह सकते हैं। आपने ये देखा था हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, तो इसी तरह से हम लोग एंड और लॉ को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएं तो हम लोग कह ये लिख सकते हैं ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए पहला स्टेटमेंट, फिर ये बीच वाला और एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। अब देखिए ये जो और भी लेफ्ट साइड में स्टेटमेंट लिखा है ये तो बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया कि भैया एक्स ए में है और एक्स ए में नहीं, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे इग्नोर करेंगे कि ये स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, ऐसा हो गया कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया, इसको मानी बोली। आगे वाला देखते हैं एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जब एंड ऑपरेटर लगा है तो हम लोगों को क्या लेना है
सेक्शन लेना है। तो ये हो गया आपका पहला प्रूफ। सबसे पहले हमने एक एलिमेंट लिए जो लेफ्ट साइड वाले सेट पे बिलोंग करा था, मतलब लेफ्ट साइड से जो इक्विवेलेंट सेट आ रहा था। उसके बाद से भी जाके वही किया यूनियन को और में, इंटरसेक्शन को आर में, फिर जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है वहाँ को नॉट बिलोंग कर दिया कॉम्प्लीमेंट को हटाने के लिए, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंच गया। चलिए सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सिर्फ क्वेश्चन है इसमें और कुछ नहीं है इस वीडियो में। एच बिलोंग्स टू ए माइनस ए माइनस बी। ओके, यहाँ से हम क्या कहेंगे, एच बिलोंग टू ए एंड एच डज नॉट बिलोंग टू ए माइनस बी। ओके फाइन, तो हम क्या कह सकते हैं, एच बिलोंग टू ए एंड एच डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एच बिलोंग टू बी। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जब डिफरेंस लेते हैं तो पहले वाले सेट में बिलोंग करता है और दूसरे वाले सेट पर नहीं बिलोंग करता है, राइट। लेकिन यहाँ पे पहले ही नहीं बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू पॉसिबल लगा, इसलिए हम लोगों ने सिंबल्स को एक्सचेंज कर दिया। फिर से वही डिस्ट्रीब्यूशन, एच बिलोंग टू ए एंड एच डज नॉट बिलोंग टू ए, पहला चीज हो गया हमारा। तो दूसरा एंड एच बिलोंग टू ए एंड एच डज नॉट बिलोंग टू बी। अब फिर से वही चीज देखिए कि जो लेफ्ट साइड वाला स्टेटमेंट है वो कैसा हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा क्योंकि चीजें छोटी होती है। अब एच बिलोंग टू ए, ए में बिलोंग कर रहा है, ए में नहीं बिलोंग कर रहा है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसको हम हटाएंगे, जो एंड राइट साइड पर लिखा जा रहा था कि एच बिलोंग टू ए एंड एच बिलोंग टू बी, तो एंड ऑपरेटर यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एच बिलोंग टू, एच बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। हो गया आपका सेकेंड पार्ट का प्रूफ, बट वेरी सिंपल। होप सो कि अब आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। थर्ड पार्ट देखते हैं, एस बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, मतलब एस बिलोंग टू ए एंड एस बिलोंग टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फाइन, एस बिलोंग टू ए एंड अंदर वाला डिस्ट्रीब्यूट करें तो एस बिलोंग टू ए और एस बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। ठीक है, एस बिलोंग टू ए एंड एस बिलोंग टू ए और एस डज नॉट बिलोंग टू बी, पहले तो सारा कॉम्प्लीमेंट हटाना पड़ता है। जब ये कॉम्प्लीमेंट वाली चीजें हट गई हमारी, तो हम लोग क्या यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, एस बिलोंग टू ए एंड एस बिलोंग टू ए, ओके, और एस बिलोंग टू ए एंड एस डज नॉट बिलोंग टू बी। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल गया है कि एक्स ए में है या तो एक्स ए में है बी में नहीं। तो यहां से कुछ भी कंक्लूजन, कोई भी ऐसा एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है कि जो सब में बिलोंग कर रहा हो या किसी दो सेट में किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, यहां से कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि दिस सेट विल बी द एम्प्टी सेट। अगर आपको क्लियर ना हो, मतलब अगर कभी ऐसा हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या आएगा भैया, तो हमें सबसे पहला काम तो यही करना है, एंड और ऑपरेटर लगाना है। और जैसे ही हमारा एंड और ऑपरेटर लग जाए, उसके बाद हमें चीजें अपने हिसाब से सेट करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन आपको आता ही है, उसके बाद राइट साइड देखते चलिएगा कि लाना क्या, और उसी तरह से हम लोग अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, स्पाइरल आप लिख लीजिएगा। फोर, ये कौन सा सिंबल था, ये था आपका सिमेट्रिक डिफरेंस सिंबल था। एक्स बिलोंग्स टू, राइट, ये वाला लेके चलते हैं क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है, इसको लाना कठिन हो जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ऐसे लिखा जाता है ना सिमेट्रिक डिफरेंस को, मतलब मान लीजिए ये सेट हो गया, ये सेट हो गया। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी और एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए। ठीक है, कोई दिक्कत, बीच वाले यूनियन को हमने चेंज कर दिया। अब इसे हम लोग लेफ्ट साइड वाले लिखते हैं, एक्स बिलोंग टू ए एंड एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी और एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स
does not belong to. ठीक है, बस हमने जो डिफरेंस वाला ऑपरेटर होता है उसको एज इट इज लिख दिया, माइनस कर पहले को एंड लगा दिया. And x belongs to, x does not belong to A and x does not belong to B. कहीं भी नहीं और नहीं. X जो element है आपका वो A intersection B में नहीं belong कर रहा है. A intersection B में belong नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो ना ही A में है और ना ही B में है, right? X does not belong to A intersection B. तो यहाँ पे अगर दोनों में कहीं में भी होता तब भी नहीं आता, तो क्या हम लोग यहाँ पे और लगाएंगे? X does not belong to A और X does not belong to B. ना ही A में है ना ही B में. खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग अपना क्या करेंगे कंफ्यूजन के केस में क्या करते हैं, इसको belong to का सिंबल बनाते हैं और इसको कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं. ठीक है, कंफ्यूजन के केस टू अवॉइड कंफ्यूजन. और उसके बाद हम लोग X belong to A एंड X belong to A कॉम्प्लीमेंट. अब देखिए जब ये कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यही हम डायरेक्टली करते हैं, तो क्या ये A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. अभी हम लोगों ने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी थी. अब इसको हम लिखेंगे एस बिलोंग टू ए डैश और एस बिलोंग टू बी डैश. ठीक है, पहला स्टेटमेंट. और के बाद एस बिलोंग टू ए एंड एस बिलोंग टू बी हम कहेंगे एक्स बिलोंग टू ए एंड ए ए तो हट जाएगा
एस बिलोंग टू ए और एस बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग टू बी, ये पहला स्टेटमेंट हो जाएगा। इसमें से फिर वही चीज कंक्लूजन निकलेगा कि हाँ एक्स ए में तो है ही, आगे वाले से भी यही कंक्लूजन निकलेगा कि एक्स बिलोंग टू ए। तो ओवरऑल आप क्या कह सकते हैं, एक्स बिलोंग टू ए, दैट इज ए सेट आपके आ गया। एक बार आपको जो स्टार्ट करिए क्वेश्चन, ये चीज ध्यान में रख के करिएगा कि आपको लाना क्या है। तो उसी रास्ते पे जब हम लोग चलते हैं कि हमें लाना क्या है, तो चीजें आसान हो जाती है। जब होता है ना कि आपको डेस्टिनेशन पता है तो उस रास्ते पे चलना आसान। ये सारे प्रूविंग के क्वेश्चन थे, बहुत सारे आपको छोटे छोटे कंफ्यूजन होंगे कहाँ पे आ लगा है, वहाँ पे और लगा, सेट डिफरेंस में क्या चीजें लग रही है। तो जब आप लोग क्वेश्चन करना बुक से स्टार्ट करिएगा तो आपको क्या करिएगा, पहले एग्जाम्पल्स करिएगा, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करिएगा, तो उससे चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको प्रूविंग क्वेश्चन करना, एज सून एज यू विल कंप्लीट दिस प्रूविंग क्वेश्चन हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग वेन डायग्राम के वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे आपका सेट चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, होप सो कि आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा। अगर थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा तो आप लोग इनिशिएट कर सकते हैं खुद से क्वेश्चंस करना। ओके, तो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, एंजॉय द वीडियो।